इस रेड बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप लोगों को जल्दी से वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आज का विषय स्टार्ट कर। नमस्कार, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज का हमारा विषय है पैरों के बीच की जो फिंगर होती है, उंगली जो होती है बहुत लंबी होती है, इसका क्या मतलब होता है। चलिए आज के विषय स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग अपने हाथ का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, अपॉइंटमेंट लेकर के मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट फीस 500 रुपये है। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में जा करके देख सकते हैं। चलिए आज के विषय स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये जो आप लोग यहाँ पर जो पिक देख रहे हैं, यहाँ पर ये कनाडा की एक लेडी है, उनका ये फिंगर है, बीच का पैर उन्होंने फोटो मुझे भेजा है और हाथ का भी उन्होंने फोटो भेजा था। बीच में यहाँ पर इनकी देख सकते हैं कि इनकी बीच वाली जो उंगली है बहुत ज़्यादा लंबी है। इसका क्या मतलब होता है, जिसकी भी जो है बीच की उंगली बहुत ज़्यादा लंबी होती है, ऐसे लोग जो है बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं, खुद का निर्णय लेते हैं ऐसे जातक। और ऐसे जातकों के पास जो है गुप्त ज्ञान भी होता है और गुप्त विचार भी इनके अंदर चलते रहते हैं। मरते मरते दम तक का अगर इनके पास कुछ गुप्त राज होता है, या फिर अगर इन्होंने कुछ आविष्कार भी किया होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है ऋषि मुनि वगैरह जैसे कुछ वैद्य वगैरह भी होते हैं, तो लोग इसका मिसयूज़ ना कर सके आने वाली पीढ़ी, तो जो गुप्त ज्ञान होता है वो अपने साथ ही लेकर के चले जाते हैं। ऐसे लोगों को आत्मज्ञान वगैरह का भी काफ़ी ज़्यादा नॉलेज वगैरह आत्मज्ञान इन लोगों को खुद ही प्राप्त होता है, ठीक है। और ऐसे लोगों को कभी कभी ऐसा भी होता है कि इनके साथ छल कपट भी हो जाता है, लोग धोखाधड़ी के साथ इनके साथ पैसे भी लोग निकलवा लेते हैं, ठीक है। तो इस मामले में ऐसे जातक बहुत ज़्यादा दयालु होते हैं। काफ़ी ज़्यादा ये देखा गया है कि जो है भारत में जिस भी लेडी के जो है पैर की जो फिंगर होती है लंबी होती है, अधिक से ज़्यादा भारत में जो ब्राह्मण होते हैं वो लेडीज़ों को डरा देते हैं कि इस जातक की तुम्हारी जो बहू आने वाली है घर में, इसकी पैर की उंगली बहुत ज़्यादा लंबी है, आने वाले टाइम में ये बहू तुम्हारी विधवा हो जाएगी कि तो इससे शादी मत करवाओ। तो लोग पैर की उंगली देख करके गांव देहात में भारत में लोग शादी नहीं करते थे, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, समुद्रिक शास्त्र में ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी भ्रांतियां हैं वो भ्रांतियां आपकी दूर हो गई होंगी, ठीक है। तो चलिए कभी से यहीं समाप्त करती हूँ। नमस्कार, राधे राधे। अगर आप लोग मुझसे उंगली एनालिसिस करवाना चाहते हैं, अपने पैर का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या हाथ का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, दोनों हाथों का फोटो खींच करके मुझे भेज दीजिए। नमस्कार, राधे राधे। अपॉइंटमेंट नंबर फ्लैश हो रहे हैं स्क्रीन पर, देख सकते हैं। दोनों अपॉइंटमेंट नंबर है 9120101561, ये भी अपॉइंटमेंट नंबर है। ऊपर भी अपॉइंटमेंट नंबर दिया गया 7786038601, इस पर भी आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नमस्कार, राधे राधे।